हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात करूंगी कि जब कभी हमारे घर पे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे मेहमान आने वाले होते हैं, हमें उनके आने की सूचना बस एक दो घंटे पहले या फिर कभी कभी उतना समय भी नहीं मिलता, तो उस स्थिति में आप अपने घर को किस तरह से व्यवस्थित कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और बहुत कम समय में उसे प्रेजेंटेबल बना सकती हैं। बिल्कुल 15-20 मिनट में आपका घर बिल्कुल सजा संवरा दिखेगा और आपके मेहमान प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं कहूंगी कि अपने लिविंग रूम में आपने जितनी भी सीटिंग अरेंजमेंट्स की हुई हैं, चाहे वो ज़मीन पर हो, सोफ़ा हो, काउच हो या फिर कुर्सी हो, उनके कवर्स पे आई हुई सिलवटों को हाथों की मदद से फटाफट से इस तरह से प्लेन कर लें। कुशन्स को सलीके से लगा दें। अक्सर देखा गया है कि सोफा के बैक कवर पर हल्के फुल्के डस्ट होते हैं या फिर बाल गिरे हुए होते हैं, तो उन्हें हाथों से झाड़ लें। ध्यान दें कि इस तरह से सोफा कवर का किनारी निकला हुआ बहुत ही अनटाइडी लगता है, तो इसे बहुत ही नीटली टक इन कर लें। बात बहुत छोटी सी है लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा आपको। आप देख सकती हैं कि इसे अच्छे से टक इन करने की वजह से ये पूरे सोफ़ा को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दे रहा है। रोज़ डस्टिंग करने के बावजूद इंडिया का क्लाइमेट ऐसा है कि थोड़ा बहुत डस्ट जमना स्वाभाविक है, इसलिए मेहमानों के आने से पहले इन हैंड रेस्ट पर ज़रूर डस्टिंग कर लें, क्योंकि अगर मेहमान इन पर हाथ रखते हैं तो उन्हें डस्ट फील नहीं होना चाहिए और ऐसा करने के लिए मुश्किल से आधा मिनट लगते हैं या फिर अगर आपके घर में ज़्यादा फर्नीचर हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट लगेंगे, और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में इस तरह के ग्लास टेबल हैं तो उन पे डस्ट बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आता है, इसलिए उसे ज़रूर साफ़ कर लें। टेबल के नीचे अगर आप इस तरह से पिक्चर एल्बम या फिर कोई बुक्स रखते हैं तो उसे भी डस्टिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके चाय नाश्ता बनाने के दौरान आपके मेहमान अगर इन पर हाथ फेरते हैं तो उन्हें धूल या डस्ट महसूस नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से आपका घर सिर्फ ऊपरी तौर पर साफ नहीं लगेगा बल्कि आने वाले मेहमानों को आपके घर की साफ सफाई देखने के साथ साथ वो फील भी कर पाएंगे। और चूंकि यहाँ ऊपर पिक्चर लाइट लगा हुआ है इसलिए इस मूर्ति को पोछना ज़रूरी था। आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर टेबल से मैंने सारा सामान नहीं हटाया है, बस इस तरह से हल्के तौर पर इसे पोछ ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है डीप क्लीनिंग के लिए। इसे पोछना ज़रूरी था क्योंकि इस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपने चाय की कप या फिर पानी का ग्लास इस टेबल पर रख सकता है। जो इंडोर प्लांट्स आप डेली बेसिस पर अंदर रखती हैं उसके अलावा कुछ फ्रेश इंडोर प्लांट रखने से कमरे में ज़्यादा हरियाली और ताजगी महसूस होगी। और ये जो मॉन्स्टेरा का प्लांट है आप देख सकते हैं इसकी कुछ पत्तियाँ जल गई हैं, मेरी ही गलती की वजह से। इसे मैंने रात को बाहर निकाला था और सुबह 10-10:30 तक ये बाहर ही रह गया। उस समय कड़ी धूप हुआ करती थी और मैं इसे अंदर करना भूल गई और जिसका नतीजा आपके सामने है। तो इसकी जगह पर मैं एक हरा भरा हेल्दी पौधा रखूंगी। ये पौधे बहुत ही सरल और किफ़ायती उपाय हैं किसी भी घर को एक भव्यता प्रदान करने के लिए। इससे बिना मेहनत और बिना ज़्यादा समय के घर सज जाता है। अगर आपके लिविंग रूम के साथ बालकनी अटैच्ड है तो फिर उसके ग्लास डोर्स को कॉलिन से अच्छी तरह से पोंछ लें ताकि वो बिल्कुल स्टेन फ्री दिखे।
और अगर आप इसे रेगुलरली साफ़ करते रहती हैं तो फिर तो इसे साफ़ करने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगेगी और ना ही समय। और बालकनी को भी हल्के तौर पे साफ़ कर लूँगी, इन पे गिरे हुए जो सूखे फूल पत्तियाँ हैं या फिर कुछ रैपर्स भी हैं छोटे छोटे चॉकलेट्स के, तो उन्हें मैं हाथों से ही फटाफट से उठा लूँगी ताकि ये जो मेरा कारपेट ग्रास है ये बिल्कुल साफ़ दिखे। और साफ़ सुथरा जो ग्रास होता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है और पूरे लिविंग रूम को हाईलाइट करता है। और आप नोटिस कर रही होंगी कि इन सब कामों को करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास समय कम है। और यहाँ लिविंग रूम में बैठे हुए मेहमानों का ध्यान खुद ब खुद इस साफ़ सुथरे लॉन की ओर जाएगा, क्योंकि साफ़ सुथरी जगह हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे तो जो इंडोर प्लांट्स जिन्हें मैं पानी में रखती हूँ, बेसिकली पोथोस वगैरह, उन्हें मैं फ्रीक्वेंटली धोते तो रहती हूँ, लेकिन कुछ पे कुछ ज़्यादा ही धूल जमी हुई थी तो इसलिए उन्हें मैंने फिर से धो दिया फटाफट से। और ये देखिए, पत्ते अगर धुल जाते हैं तो बहुत ही साफ़ लगते हैं और उन पे जो ये पानी की बूंदें होती हैं ना वो बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। तो इसलिए जिन पे भी धूल जमी हुई है ना उन्हें आप फटाफट से धो दें। और बाकी के कमरों को भी मोटा मोटी तौर पे ठीक ठाक कर लेना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो कि इस कमरे में भी बैठने की ज़रूरत पड़े और थोड़ी सी एम्बेरसमेंट फील हो कि कमरा बिखरा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने बेडशीट और पिलो कवर चेंज किया है और बस इतना करने से ही कमरा ऑर्गेनाइज्ड दिखेगा। और कर्टन्स को मैंने किनारे कर दिया है और डबल कर्टन्स लगा दिए हैं हल्के वाले, और बस हो गया। दूसरे कमरों को भी इसी तरह से हल्के तौर पे ऑर्गेनाइज कर लूँगी। और अब आई बाथरूम की बारी। तो जो गेस्ट बाथरूम है उसमें अगर कुछ फैला हुआ है तो उसे समेट लेना चाहिए, जैसे कि ये जो वेपराइज़र है इसे मैं वापस खाली करके डिब्बों में रख दूँगी। साफ़ बाथरूम आपके लाइफस्टाइल के बारे में बहुत कुछ बयां करता है, इसलिए इसे तो रेगुलर बेसिस पे साफ़ रखना चाहिए। लेकिन आफ्टर ऑल ये घर है, कोई होटल तो है नहीं कि बिल्कुल हर चीज़ हर वक्त ऑर्गेनाइज्ड रहे। और ख़ास तौर पे अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग लोग हों तो फिर इसे हर वक्त साफ़ रखना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसलिए मेहमानों के आने के पहले कम से कम वॉश बेसिन तो धो लेना चाहिए, और हाइजीन और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हैंड टॉवल तो ज़रूर बदल देना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी कि मैं दो चार नए हैंड टॉवल्स हमेशा हैंडी रखती हूँ, और अगर ये यूज़ नहीं होते हैं तो मेहमानों के जाने के बाद वापस इन्हें ड्रॉर्स में रख देती हूँ, और अगर यूज़ होते हैं तो फिर इन्हें धोने के बाद ही अंदर रखती हूँ नेक्स्ट यूज़ के लिए। और थोड़ी बहुत सजावट से बाथरूम को एक क्लासिक लुक मिलता है। मेन कर्टन को किनारे करके हल्के वाले शियर कर्टन कमरे को एक लाइट फील देता है, जिसे आप चाहें तो मेहमानों के आने के बाद हटा सकती हैं और ग्लास डोर को खोल देने से ताज़ी हवा अंदर आ सकेगी और सफोकेटिंग फील नहीं होगा। और पर्दों को किनारे अच्छे से बांध कर रखें इस कर्टन टाइज की मदद से। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सोफ़ा कवर को बहुत नीटली टक इन करना चाहिए, उसी प्रकार पर्दों को भी अच्छे से नीटली किनारे बांध कर रखने से कमरे की शोभा बढ़ जाती है। दिन के उजाले में भी कमरे के अंदर अच्छी खासी रोशनी कमरे को ब्राइट और ग्रैंड लुक देता है। और अंत में घर अगर खुशबूदार हो तो फिर क्या बात है, इसलिए रूम फ्रेशनर या फिर सेंटेड कैंडल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर घरों में ओपन किचन का कॉन्सेप्ट होता है तो किचन से किसी तरह का स्मेल या फिर कोई भी बदबू आपके पूरे डेकोर को स्पॉइल कर सकता है। बाथरूम और घर के दूसरे कमरों में भी रूम फ्रेशनर ज़रूर स्प्रे कर लें,
भीनी भीनी सी ये खुशबू आपके घर पर आने वाले मेहमानों को स्वच्छता के साथ साथ ताजगी का भरपूर एहसास करवाएगी। और एक टिप यहाँ पर देना चाहूंगी कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, तो आप ऐसा कोई कमरा रखें जहाँ कि आप सारे बिखरे हुए सामानों को डंप कर सकती हैं कुछ देर के लिए, या फिर घर के कॉर्नर्स में छोटे छोटे बास्केट्स एज अ डेकोर पीस यूज कीजिए, जिनमें आप फटाफट से बच्चों के खिलौने इत्यादि को इकट्ठा करके रख सकती हैं। तो घर तो पूरा सज गया, लेकिन खुद को भी सजाना ना भूलें। कपड़े बदलकर अच्छे से तैयार होकर अपने मेहमानों का स्वागत करें। तो उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स और आइडियाज आपके काम आ सकेंगे। और अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।